नमस्कार मित्रों, दोस्तों। सबसे पहले आज जिन हमारे स्नेहीजन मित्रों का, परिवार वालों का जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद भी। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक क्रिया प्रयोग बताने जा रहे हैं। बहुत साधारण और सरल है, इसको आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये हमारे गुरु महाराज और माता जी का आशीर्वाद है, तो आप लोग ये सुनिए और अपने जीवन में उतारने के लिए इसको आप करेंगे। बहुत ही अद्भुत है और चमत्कारिक है, अकल्पनीय है। भगवान भोलेनाथ शिव जी का यह एक छोटा सा प्रयोग है, बिल्कुल सरल, लेकिन इसका फल तो आप करेंगे तो स्वयं को अनुभव होगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक कांसे की थाली लेना, उस पर आपको मृतिका मतलब मिट्टी के शिवलिंग, जिनको पार्थिव शिवलिंग बोलते, बनाना है अपने हाथों से, भस्म इत्यादि मिलाकर मिट्टी में, और नाग नंदी गणेश गौरी इत्यादि बनाकर उनका परिवार और उनकी पूजन करना है आपको। षोडशोपचार विधि से बनाकर आवाहन करें और उनका अभिषेक करें दुग्ध मिश्रित जल से। 108 बिल्व पत्र चढ़ाएं और फिर उनको उड़द के बने हुए किसी भी वस्तु का आप भोग लगाएं। ये आपको शनिवार के शनिवार, 5 शनिवार करना है। 5वें शनिवार आपको हवन इत्यादि कर महामृत्युंजय का मंत्र भी आपको साथ में जाप करना है, एक माला। और छोटे छोटे बच्चों को, कन्याओं को, 11 बालकों को आपको भोजन या जो भी उसका आप भोग लगाएंगे उस समय, उनको 11 बच्चों को, बालकों को, वह आपको कराना है। और साथ में यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा, जो भी आपको बन सके, 1 का सिक्का हो, 1 रुपया हो, जो भी आपको दे सकने में सामर्थ्य हो, वह आप उनको दीजिएगा। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि मैंने इस कार्य के लिए यह आपकी पूजन की है, भोलेनाथ आप इसमें सहायता और फल प्रदान करें, सिद्धि प्रदान करें, ऐसा कहकर उनका विसर्जन भी यथा योग्य सम्मान के साथ करिए और किसी पवित्र नदी जलाशय कुएं में उनका विसर्जन करें। जैसे दूसरा, इसी के साथ उनके प्रभु भोलेनाथ के जो इष्ट हैं श्री राम, उनका भी आपको जय श्री राम, जय राम, जय जय राम का मंत्र जाप भी करना है। आपको निश्चित रूप से आपके इस कार्य में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय सिंह, जय माता महाकाली, जय गुरुदेव।